हाय एवरीबॉडी, नमस्ते। आज मैं आपको फैब्रिक का फेस मास्क बच्चों के लिए बताने वाली हूँ कि कैसे बनाएं, जिसके लिए मैंने कपड़ा लिया। ये बचा हुआ कपड़ा है और मल्टी कलर है, इसलिए कि शायद मेरे बेटे को अच्छा लगे और वो पहने अगर ज़रूरत हो तो। इसी तरह से आप कोई अच्छा सा फैब्रिक लीजिए और उस फैब्रिक्स में से देखिए, मैंने दो पीस कट किए हैं। डबल लेयर ये मास्क बनेगा, तो इस तरीके से ये आप देख सकते हैं, 8 इंच का इस साइड में है और नीचे 5 इंच का है। ये 8:5 के रेशियो का फेस मास्क है, जो कि 6 से 12, 13 या 14 साल के बच्चे के लिए अच्छा बनेगा और अच्छी साइज़ का, ये स्टैंडर्ड साइज़ का है। तो डबल दो पीसेज हैं, आप देख सकते हैं। और इसी तरीके से दो पीस ये टेप के हैं, लंबी पट्टियों के, जो कि हम अपने मास्क में साइड में लगाएंगे। ये दो पट्टियां हैं हमने कट की है। इसके भी मेजरमेंट मैं आपको दिखा देती हूँ, तो ये देख सकते हैं इस तरीके से ये 2 इंच का है और इस तरीके से लंबाई में लगभग 21 इंच का है। ये मेरे बेटे के लिए परफेक्ट है। आप थोड़े बड़े बच्चे के लिए बना रहे हो तो ये 25 कर लीजिएगा, थोड़ा ज़्यादा कर लीजिएगा। तो इस तरीके से देखिए, हम फैब्रिक को लेंगे, अपने दोनों पीसेस को लेंगे, सेंटर में थोड़ी सी जगह छोड़ के किनारे किनारे सिलाई चलाएंगे और दोनों तरफ रॉन्ग साइड होना चाहिए, सीधा साइड अंदर की तरफ हो, रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ। तो सेंटर में हम थोड़ा सा जगह छोड़ के किनारे किनारे पिन लगा रहे हैं और इसी पिन के जगह जगह पे हम पक्की सिलाई घुमा के चारों तरफ चला लेंगे। तो देखिए, हमने पक्की सिलाई डबल सिलाई चला ली है अच्छे से और सेंटर में थोड़ा सा खुला जगह छोड़ दिया। अब हम क्या करेंगे, कॉर्नर्स को कट कर लेंगे और बीच में छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे, जिससे ये सीधे साइड में हम पलटें तो ये अच्छे से पलट जाए। अब ये जो होल है, यहाँ से हम इसको पलटेंगे, सीधा साइड अब बाहर लाएंगे और जो रॉन्ग साइड है उसको अंदर करेंगे और इनको कॉर्नर्स को भी अच्छे सेट कर लेंगे। अगर हाथ से नहीं हो रहे हैं तो आप कोई पेन भी डाल के इनको सही कर सकते हैं, नहीं तो हाथ से भी आराम से हो जाएंगे। तो ये देखिए, इनको हम इस तरीके से करके अच्छे से प्रेस करके बिठा लेंगे। जब प्रेस करके बिठाएंगे तो देखिए इस तरीके से दिखेगा और ये बाद में जो खुला हुआ है वो सिल जाएगा, बंद हो जाएगा, तो कैसे होगा वो आगे आपको पता चलेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके साइड में दो दो प्लेट्स डालेंगे। एडल्ट के बना रहे हैं तो 3 प्लेट्स डालते हैं, बच्चों में 2 डाल रहे हैं। तो इस तरीके से दो रैंडम प्लेट्स आप आराम से डाउन साइड में डाल सकते हैं, अंदाजे से, कोई इसका मेजरमेंट नहीं है। मैंने एडल्ट के लिए भी बताए हुए हैं, तो आई होप आप उसे भी देखोगे या आपने देखा होगा। इलास्टिक वाला भी बताया है, टाई नॉट भी बताया है, तो जो आपको पसंद हो आप अपने अकॉर्डिंग वो देख के बना सकते हो। तो इस तरीके से 2 प्लेट्स हम बना लेंगे। तो देखिए, हमने प्लेट्स बना ली है। अब इसके किनारे किनारे पक्की सिलाई चलाएंगे, जिससे ये प्लेट्स भी सेट हो जाएंगी और जो होल था वो भी बंद हो जाएगा। तो चलिए हम किनारे किनारे पक्की सिलाई चलाते हैं। तो देखिए, हमने पक्की सिलाई चला ली और चलाने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब इसके किनारे हम पट्टी लगाएंगे, टेप बनाएंगे, कैसे लगाएंगे वो मैं आपको बताने वाली हूँ, बस यहाँ थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हाफ में हम अपने दोनों फैब्रिक को प्रेस करके बिठा लेंगे। इसका मतलब यही है कि हम एक सेंटर की मार्किंग किए हैं। उसके बाद इस तरीके से दोनों तरफ से फोल्ड करके इस पे फिर से प्रेस चलाएंगे। तो पहले आपको जो फैब्रिक है उसको हाफ पे प्रेस करना है, जिससे सेंटर का मार्क हो जाए। उसके बाद ये दोनों तरफ से फैब्रिक को एक बार मोड़ के इन पे फिर से प्रेस चलाना है। इस तरीके से हम बैठा के दोनों पट्टियों को प्रेस कर लेंगे। देखिए, इस तरीके से करने के बाद एक और फोल्ड हम करेंगे और इस पे भी हम प्रेस कर लेंगे। तो चलिए, ये करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, हमने प्रेस करने के बाद इस तरीके से हमारी पट्टियाँ दिख रही हैं। अब हमें इनको अपने मास्क के साथ लगाना है। तो पहले जो मैंने दो पहले वाला जो मैंने बताया था वो इस तरीके से लगा के आपको बताया था, इस वाले में मैं इस साइड से लगाऊंगी। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, जैसी आपकी मर्जी। मैंने सोचा उसमें मैंने वो तरीका बताया है तो इसमें ये वाला बता देती हूँ, आपकी जो मर्जी आप उस तरीके से लगा लीजिएगा। तो इस तरीके से मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे लगाना है।
तो जैसे ऐसे हम सेट कर लेंगे और ऊपर से पट्टियों पे सिलाई हम स्टार्ट करते हुए नीचे चले जाएंगे बहुत आसानी से। तो चलिए मैं आपको करके दिखाती हूँ। स्टार्ट में इस तरीके से हम फोल्ड करके यहाँ से अंदर की तरफ और एक इस तरीके से करके हम अपना स्टिचिंग स्टार्ट कर लेंगे। और उसके बाद इसी तरीके से हम डाउनवर्ड्स जाएंगे, तो जिससे ये हमारे मास्क के साथ भी अटैच हो जाएगा और ये पट्टी भी फिनिश हो जाएगी बहुत आसानी से। यही सेम वे हम दूसरे साइड में भी कर लेंगे। तो फैब्रिक का फेस मास्क, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि बहुत अच्छा है, इसे हम गर्म पानी में डिटर्जेंट के साथ वॉश कर सकते हैं, डिटॉल डाल के दिन धूप में सुखा के इसको आयरन कर सकते हैं, अच्छे से प्रेस कर लेंगे तो इसमें कुछ भी वायरस या कुछ भी रहेगा तो मुझे नहीं लगता गर्म पानी में धुलने के बाद और आयरन से प्रेस करने के बाद वो रहेगा। तो आई होप आप अपने लिए बनाओ, बना के रख लो, शायद किसी काम में आए। मैं तो यही विश करूंगी कि इसकी ज़रूरत ही ना पड़े, ये सब कुछ जल्दी से ख़त्म हो जाए। पर सेफ्टी के लिए अगर आपके घर में बच्चे हैं तो दो चार बना के रख लीजिए। और गवर्नमेंट ने भी बोला है कि आप अगर इन्फेक्टेड नहीं हो तो फैब्रिक मास्क यूज़ करें, अच्छा है। तो आई होप आप बनाओगे। थैंक